नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसके टी चैनल पर। दोस्तों, कक्षा नवी का जो लास्ट पेपर था वो 23 तारीख को यानी कि विज्ञान विषय का था। तो अब आपके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको इंतजार है कि कक्षा नवी का रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, रिजल्ट की डेट क्या है और यहाँ पर देखिएगा क्या त्रैमासिक की परित्रैमासिक परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा कितने नंबर जोड़े जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या है, देखिएगा आपको बेस्ट ऑफ 5 योजना के बारे में बताने वाले हैं। क्या नवी में बेस्ट ऑफ 5 योजना के संबंध में क्या कुछ अपडेट आया है, क्या नवी में भी बेस्ट ऑफ 5 योजना लागू होगी या नहीं होगी, इस संबंध में भी हम आपको बताने वाले हैं कि नवी का रिजल्ट किस तरह से बनेगा, यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से चलिए हम देख लेते हैं यहां पर आप लोगों के लिए। देखिएगा एक मिनट, ये देखिएगा यहां पर आप देखिएगा कक्षा नवी वार्षिक परीक्षा फल मूल्यांकन के लिए निम्नानुसार अंक प्रक्रिया दी जाएगी। देखिए किस तरीके से यहां पर अंक आपको दिए जाएंगे, यहां पर आप लोग चेक करिएगा। देखिएगा सबसे पहले यहां पर देखिए आपका विषय दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए, यहां पर कितना 20% दिया गया है। त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्त अंकों का अधिभार आपका 0.5% दिया गया है, ठीक है, 0.5% दिया गया है। और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्राप्त अंक का अधिभार कितना जोड़ा जाएगा, यहां पर 0.50 मतलब 5% जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंक का अधिभार कितना जोड़ा, देखिए 60% आपका सैद्धांतिक रहेगा और थ्योरी प्लस यहां पर 10, तो ये आपका 70 टोटल हो जाएगा, 70% यहां पर जोड़ा जाएगा प्रैक्टिकल टोटल करके, ठीक है। कुल प्राप्त अंक आपका इस तरीके से हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहां पर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर अब देखिएगा ये आपका दिया गया है कि ऐसे विषय कक्षा नवी, देख लीजिएगा आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कक्षा नवी ऐसे विषय जिनमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक एवं दोनों परीक्षा होती हैं, यथा विज्ञान व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषय छोड़कर। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसे विषय जिनमें सैद्धांतिक परीक्षा होती है तो उसका भी आपको 20% अधिभार लिया जाएगा, त्रैमासिक का 5% अधिभार लिया जाएगा और अर्धवार्षिक का 5%, टोटल 70% हो जाएगा यहां पर वार्षिक परीक्षा का, और इस तरीके से आपको कुल मिलाकर 100% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहां पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। देखिए त्रैमासिक का 5%, अर्धवार्षिक का 5% इस तरीके से, और आपका ये वार्षिक में से आपका कितना परसेंट, 70% लिया जाएगा, टोटल आपका 100% हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रैक्टिकल थ्योरी बुलाकर, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि सर क्या बेस्ट ऑफ 5 योजना है या नहीं, तो चलिए बेस्ट ऑफ 5 योजना के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 योजना है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 योजना के संदर्भ में देखिएगा ये आपका देखिएगा ये नोटिस यहाँ पर 24/8/2023 को जारी किया गया था। बच्चों कितनी तारीख को, 24 तारीख को जारी किया गया था यानी कि 2023 का। देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है, शिक्षण सत्र 2023-24 से कक्षा नवी एवं दसवीं में सतत व्यापक एवं यहाँ पर मूल्यांकन, ठीक है ये तो बात, लेकिन देखिएगा शिक्षण सत्र 2023-24 में कक्षा नवी एवं 2024-25 में कक्षा दसवीं में विद्यार्थियों को सामान्य गणित एवं उच्च गणित का विकल्प दिया जाएगा। देखिएगा यहां पर जो आपका अगला सत्र है उसमें आपको क्या करना है, देखिएगा एक आपका होगा सामान्य गणित और एक होगा उच्च गणित, तो अब आप गणित में भी आप अपने हिसाब से ले पाएंगे कक्षा नवी और दसवीं में, ठीक है, इतना क्लियर होगा, ये आपको माइंड में आप बिठाना होगा। अभी देखिए क्या गणित एक ही सबका चलता था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, उच्च गणित भी आएगा और सामान्य गणित भी आएगा, ठीक है। तो सामान्य गणित कैसा रहता है, उच्च गणित कैसा रहेगा, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो कमेंट आप करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एवं सामान्य गणित में उच्च गणित एवं उच्च गणित का विकल्प की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए शिक्षण सत्र 2024-25 से राज्य शासन एतत द्वारा कक्षा नवी दसवीं की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना हेतु बेस्ट ऑफ 5 पद्धति समाप्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो देखिएगा 2024 और 25 में आपकी बेस्ट ऑफ 5 योजना नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा बेस्ट ऑफ 5 योजना के संदर्भ में क्या कुछ होने वाला है, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है बेस्ट ऑफ 5 योजना आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, ये आपका आदेश दिया गया था। अगर आप देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बता, अब देखिए रिजल्ट के बारे में बता दूं कि रिजल्ट कब तक आएगा, आप लोग इंतजार कर रहे थे सर रिजल्ट कब तक आएगा। देखिएगा आपका 23
23 तारीख को किसका पेपर था, विज्ञान विषय का पेपर था आपका, ठीक है, विज्ञान विषय का पेपर था। देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो पेपर की चेकिंग की बात करें तो वो डेली बेसिस पे हो रही है, यानी कि जो आपका 1 अप्रैल से क्या हो रहा है, आपका न्यू सत्र स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, न्यू सत्र स्टार्ट हो रहा है, लेकिन देखिएगा आपकी जो पेपर कॉपी की चेकिंग है वो क्या है, वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, यानी कि जैसे ही आपका पेपर समाप्त हो जाता था उसके अगले दिन ही वो कॉपी जज जाती थी। तो अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि जो आपकी देखिएगा रिजल्ट है वो देखिएगा 1 अप्रैल, यहां पर डेट नोट करिए बच्चों, 1 अप्रैल, अगर 1 अप्रैल से नहीं आता तो 1 अप्रैल से आपका 7 अप्रैल तक, 7 अप्रैल तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यह रिजल्ट आपको कहां देखने को मिलेगा बच्चों, देखिए यह रिजल्ट आपको विमर्श पोर्टल पर, विमर्श पोर्टल पर आप देख पाएंगे बच्चों, ठीक है, विमर्श पोर्टल पर, ठीक है, विमर्श पोर्टल पर आप इस रिजल्ट को देख पाएंगे। और जैसे अगर आपको रिजल्ट देखना नहीं आ रहा है बच्चों, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा रिजल्ट किस तरीके से देखते हैं। अगर बच्चों अधिकी नबी का रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, अगर आप कक्षा 10वीं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, हमारा जो आरंभ बैच है, आरंभ बैच दिखाई दे रहा है, इस बैच को आपको ज्वाइन करना है। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर यह नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको कॉल करना है, किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। यह मात्र आपका देखिएगा, यह आपका मात्र कितने रुपए का रहेगा, मात्र 999 रुपए में आपको यह बैच दिया जाएगा संपूर्ण। इसमें क्या होगा, संपूर्ण बैच आपको मिलने वाला है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स से मटेरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार जरूर आप मैसेज नंबर दिए गए यहां पर आप मैसेज करिएगा या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।